आगरा में 19 फरवरी को आगरा किले में धूमधाम से मनाई जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। दीवाने आम में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा औरंगजेब के सामने किए गए अस्मित और स्वाभिमान का होगा प्रदर्शन। आंजिक देवगिरी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र सरकार के साथ कार्यक्रम का आयोजक होगा। दीपोत्सव, डिजिटल आतिशबाजी और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। आगरा और महाराष्ट्र का पुराना रिश्ता है। दरअसल आगरा में महाराष्ट्र सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती हम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रद्धेय एकनाथ शिंदे साहब आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब आ रहे हैं, केंद्र के मंत्री रावसाहब पाटील दानवे साहब आ रहे हैं, महाराष्ट्र के काफ़ी सारे हमारे मंत्री आ रहे हैं, केसरकर साहब आ रहे हैं, भूमरे साहब आ रहे हैं, सारे दिग्गज नेता आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दो संदेश लेकर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र और सिर्फ एक मेरे विशिष्ट जाति के नहीं थे, छत्रपति शिवाजी महाराज वाज़ अ नेशनल हीरो और उन्होंने जो काम किया था उसकी प्रेरणा अगर पूरे भारत को मिले तो निश्चित बहुत बड़ा बदल हो सकता। ये कॉन्सेप्ट लेके हम आगरा में आए हैं और आगरा का, उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र का जो पुराना रिलेशन था, जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से वापस स्वराज्य में आए थे उस वक्त आगरा वासियों ने उनकी मदद की थी, तो उनके भी हम आभार मानने के लिए आए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में जो पुराना रिश्ता है उसे और मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। सर, आगरा किले को ही क्यों चिन्हित किया गया? क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को क्रूर राजा औरंगजेब द्वारा नज़र कैद किया गया था उस वक्त महाराष्ट्र महाराज ने स्वाभिमान बताया था। महाराज ने कहा था कि महाराष्ट्र और स्वराज्य ये स्वाभिमानी है, उनके सामने नहीं झुके थे और वो जो प्रेरणा थी कि किसी भी परिस्थिति में युवाओं ने जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो या अपनी बात हो वो किस तरह से करना चाहिए, ये संदेश देने के लिए हम आगरा किला का चयन किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी शाम से ही आएंगे, करीबन 7:30 के बाद मुख्यमंत्री जी पहुँचेंगे, कार्यक्रम समाप्त होने तक रहेंगे, उस बीच में सारे कार्यक्रम वो देखेंगे और जो भी कुछ महाराष्ट्र की ओर से मांग रहेगी वो योगी जी के सामने रखेंगे। आगरा में रुकना है क्या उनका? नहीं, वो वापस जा रहे हैं, उनका कोल्हापुर में दूसरे दिन प्रोग्राम है। क्या शिवाजी के इतिहास को लाइट एंड साउंड के माध्यम से दिखाया जाएगा वहाँ पर? कुछ ऐसे कार्यक्रम होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक साइंड शो किया गया, एक ड्रामा किया गया। उस ड्रामा में वो महाराष्ट्र से स्वराज में से आगरा में कैसे आए थे और आगरा से वापस स्वराज में किस तरह गए, उनके किए गए पराक्रमों को उस ड्रामा में बताने का प्रयास करेंगे।